दोस्तों आज हम कैलकुलस शुरू करने जा रहे हैं और कैलकुलस में फंक्शन टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज का टॉपिक होगा बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ फंक्शन। यूजुअली फंक्शन के बारे में लोग अच्छे से नहीं जानते हैं, इसीलिए आज के टॉपिक में हम फंक्शन को बहुत डिटेल में कवर करने वाले हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिए ताकि आपका फंक्शन का पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। अभी तक फंक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन मैं आपको भरोसा दिला रहा हूं कि आज के वीडियोज में आपको काफी कुछ नया मिलने वाला है। तो ध्यान से देखिए बेटा, फंक्शन में पहली चीज, हमको बताया गया है कि कोई चीज अगर किसी चीज पे डिपेंड करे तो वो उसका फंक्शन होता है। जैसे यहां देखिए, y x पे डिपेंड कर रहा है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो हम कहते हैं कि y डिपेंड्स ऑन x, और इस चीज को मैथमेटिकली हम कह देते हैं कि y इज ए फंक्शन ऑफ x। लेकिन एक चीज मैं और बता रहा हूं, उसको ध्यान से देखिए, यहां पर भी y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, लिखा है साफ साफ y इज इक्वल टू दिस मच, y डिपेंड्स ऑन x, लेकिन यहां पे y x का फंक्शन नहीं है। तो यहां पे y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है, लेकिन वहां y x का फंक्शन है, और यहां y की वैल्यू x पे डिपेंड कर रही है लेकिन ये फंक्शन नहीं है। ऐसा क्यों है? इस बात को समझाने के लिए मैं आपको एक टेबल बना के कुछ समझा रहा हूं, ध्यान से देखिए। अगर इस रिलेशन को प्लॉट किया जाए तो x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की सिंगल सिंगल वैल्यू आ रही है। इस रिलेशन में x की कोई भी एक वैल्यू डालो, y की सिंगल वैल्यू मिलेगी बेटा। लेकिन इस रिलेशन में ऐसा नहीं है, x के एक एक वैल्यू के लिए y की दो दो वैल्यू आ रही है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं है। तो x y में कोई भी रिलेशन है तो वह हमेशा फंक्शन नहीं होता है। फंक्शन तभी होता है जब x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू मिले। अगर x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की सिंगल वैल्यू नहीं मिलती है तो वो फंक्शन नहीं है। ध्यान से देखिए, इस बात को हम लिख के आपको दिखा रहे हैं। एवरी रिलेशन इन एक्स वाई इज नॉट ए फंक्शन, ओनली दोज रिलेशन आर फंक्शन विच गिव्स अ सिंगल वैल्यू ऑफ y फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x। x के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए y की अगर सिंगल वैल्यू आती है तभी हम उसको फंक्शन कहेंगे, नहीं तो फंक्शन नहीं कहेंगे। अब इसी पे बेस्ड मैं एक आईआईटी का सवाल लगवा रहा हूं, उसको ध्यान से देखेंगे आप और फिर हम फंक्शन के कंसेप्ट को उसमें अप्लाई करेंगे। देखिए क्वेश्चन आपके सामने है, एफएक्स एक फंक्शन है जो इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, एक फंक्शन है और इस इंटरवल में डिफाइन किया गया है, और एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसके दो वर्टेक्स दिए गए हैं, 0, 0 और एक्स का एफएक्स। उस ट्रायंगल का एरिया √3/4 है, तो आपको बताना है कि फंक्शन एफएक्स क्या हो सकता है। ऑप्शन दिया गया है आप। अब ध्यान से देखिए, मैं बनाता हूं एक इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल सभी लोगों को मालूम है, जिसके तीनों साइड्स की लेंथ इक्वल होती है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाते हैं। यहां पे क्वारनेट एक दिया गया इक्विलेटरल ट्रायंगल का, 0, 0, दूसरा क्वारनेट दिया गया एक्स कामा एफएक्स, और तीनों की साइड लेंथ इक्वल होती है, ये दिया गया है, और इसका एरिया दिया गया √3/4। और हम जानते हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया का फॉर्मूला होता है, ये छोटे क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं, √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एरिया है इसकी वैल्यू देखिए हमको दिया गया है सवाल में, हमको दिया गया है √3/4 वैल्यू दी गई है, इसको पुट कर दिया मैंने। अब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो देखिए a की वैल्यू आएगी 1, a की दो दो वैल्यू आएगी +-1, लेकिन -1 नहीं हो सकता है क्योंकि साइड की लेंथ है, किसी भी ट्रायंगल के साइड की लेंथ नेगेटिव नहीं हो सकती है। अब देखिए डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे, क्वारनेट ज्योमेट्री में हम पढ़ चुके हैं, एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये है, दोनों का क्वारनेट मालूम है, डिस्टेंस फार्मूला लगा के हम आगे प्रोसीड करेंगे। दोनों के बीच की दूरी हम निकाल सकते हैं, ध्यान से देखिए, x-0² +fx-0² इज इक्वल टू a, और a कितना है 1, यहां निकाल चुके हैं। स्क्वायरिंग बोथ साइड, जब दोनों साइड स्क्वायर करेंगे तो हमको मिलेगा ये, यहां से सॉल्व करेंगे बच्चों तो fx की वैल्यू मिलेगी +√1-x². अब हम यहां एक मिस्टेक कर सकते हैं,
जो आंसर हमारा आया है उसके हिसाब से हमें लग रहा है कि पहला ऑप्शन सही है, जबकि पहला ऑप्शन सही नहीं है। वजह क्या है, यहां पे देखिए एफएक्स को एक फंक्शन कहा गया है, और यहां पे खास बात है, गौर से देखिएगा इस रिश्ते को, इसमें इस रिश्ते में इस रिलेशन में एक्स के एक पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वाई की दो दो वैल्यू मिल रही है, इसीलिए यह फंक्शन नहीं है। तो अगर हम इसको लगा देंगे ठीक तो यह फंक्शन नहीं है, तो हमारा आंसर क्या होगा वो गौर से देखिए आप। आंसर हमारा होगा, हम एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या एफ एक्स की वैल्यू लिखेंगे ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां बाहर माइनस लगाएंगे, दोनों साइन एक साथ नहीं लेंगे, या तो केवल प्लस साइन लेंगे या तो केवल माइनस साइन लेंगे। अगर हमने दोनों साइन ले लिया एक साथ तो वो फंक्शन नहीं होगा, इसीलिए इसमें यह भी सही है और यह भी सही है। कह रहा है कौन सा सही हो सकता है, तो जेई एडवांस में आया है मोर देन वन ऑप्शन में, आगे ये सवाल रिपीट कर सकता, बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, फंक्शन का ध्यान से पढ़ेंगे सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। अब हम अगला सवाल लेते हैं, देखिए बच्चों अगला सवाल आपके सामने है। जैसे मैथमेटिक्स में रिलेशंस होते हैं वैसे हमारे समाज में भी रिलेशंस होते हैं, मम्मी पापा का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, दादा दादी का रिलेशन, तमाम रिलेशन होते हैं। तो एक सवाल बनाया गया है उन्हीं रिलेशन पे, सोसाइटी के रिलेशन पे, तो बताया गया है कि यू कामा वी कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो यहां पे बताया गया है यू कामा वी, तो फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ यू वी मस्ट हैव अ सिंगल वैल्यू ऑफ v, यानी जो v है इसकी एक सिंगल वैल्यू चाहिए हमको, सिंगल वैल्यू, अगर इसकी सिंगल वैल्यू नहीं है तो फंक्शन नहीं होगा, v की सिंगल वैल्यू चाहिए। अब यहां पहली बात बताई गई है कि v इज द एंसेस्टर ऑफ u, v जो है एंसेस्टर है, एंसेस्टर मतलब पूर्वज, तो पूर्वज किसी के कई हो सकते हैं, उनके पापा, पापा के पापा, पापा के पापा, उनके पापा, उनके पापा, तो V जो है पूर्वज है, एंसेस्टर है, उसकी कई वैल्यू पॉसिबल है, ये इसलिए ये रिलेशन फंक्शन नहीं है। V इज द ब्रदर ऑफ यू, V भाई है, अब भाई एक्सीडेंटली एक भी हो सकता है लेकिन एक से ज्यादा भी हो सकता है, इसीलिए ये रिलेशन भी फंक्शन नहीं है क्योंकि भाई भी कई हो सकते। अगला देखिए, V इज द मदर ऑफ यू, मां हमेशा एक होगी, इसीलिए ये रिलेशन फंक्शन है। और लास्ट ऑप्शन में सिस्टर की बात किया है, हो सकता है किसी के पास एक सिस्टर हो, किसी के पास कोई भी सिस्टर ना हो, लेकिन एक से अधिक सिस्टर भी तो हो सकता है, इसीलिए यह रिलेशन भी फंक्शन नहीं है। तो इस तरीके के सवाल हमारे समाज में भी एग्जिस्ट करते हैं कि फंक्शन का रिलेशन है कि फंक्शन का रिलेशन नहीं है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं ऐसे कॉमन सेंस के क्वेश्चन। अब बेटा आगे देखिए, अब हम यहां पे एक ऐसा चीज बताने वाले हैं कि अगर ग्राफ बनाया गया हो तो ग्राफ देख के हम बता दें कि फंक्शन का ग्राफ है कि फंक्शन का ग्राफ नहीं है, तो उस टेस्ट को कहा जाता है वर्टिकल लाइन टेस्ट, वर्टिकल लाइन टेस्ट। ये क्या होता है, देखिए मान लीजिए कोई ग्राफ बना हुआ है, यहां पे वाई एक्सिस के पैरेलल, गौर करिएगा हमारी बात, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचो, कोई भी लाइन, तो ग्राफ को एक ही जगह कट कर, जबकि यहां पे ऐसा नहीं है, कुछ लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल तो एक जगह कट करेंगे, लेकिन कम से कम एक लाइन जरूर दिखाई पड़ रही है जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और एक से अधिक जगह कट कर रही है, तो ये फंक्शन होगा ये फंक्शन नहीं होगा। तो दिमाग में क्या रखना है कि अगर वाई एक्सिस के पैरेलल सारी लाइन ग्राफ को केवल एक पॉइंट पे कट करे तो वो फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट करेगा, और एक भी लाइन मिल गई जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करे तो फंक्शन नहीं होगा, फंक्शन नहीं होगा, तो हम सिंपल कहेंगे कि रिलेशन है। यहां पे लिखा है देखिए, अ कर्व इन द एक्स वाई प्लेन रिप्रेजेंट्स द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन इफ एंड ओनली इफ नो वर्टिकल लाइन इंटरसेक्ट्स द कर्व मोर देन वंस, कोई भी वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन मतलब पैरेलल टू वाई एक्सिस, कोई भी वर्टिकल लाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जो एक से अधिक जगह कट करे, अगर एक से अधिक जगह कट करेगा तो वो फंक्शन के ग्राफ को रिप्रेजेंट नहीं करेगा। अब देखिए इसका एक एग्जाम्पल लेते हैं,
एक सवाल लेते हैं इस पे, ध्यान से देखिए। अभी एक सवाल है जेई में पूछा गया है, कहा गया है कि कौन सा ग्राफ फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अभी हम आपको बता चुके हैं कि अगर कोई भी लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल है और ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करेगी तो फंक्शन का ग्राफ नहीं हो। यहां पे देखिए, कोई भी लाइन खींचिए जो वाई एक्सिस के पैरेलल है, देखो ये लाइन मिल गई ना, वाई एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन नहीं मिलनी चाहिए जो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पे कट करे, तो ये फंक्शन नहीं है। ऐसे देखिए, वाई एक्सिस के पैरेलल है, एक से अधिक पॉइंट पे कट, फंक्शन नहीं है। ये देखिए, यहां पे तो एक पॉइंट पे कट कर रहा है, लेकिन यहां पे देखो मिल गया जहां पे एक से अधिक पॉइंट पे कट कर रहा है वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन। इस केस में वाई एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचेंगे तो ग्राफ को केवल एक ही पॉइंट पे कट करेगा, इसीलिए ये फंक्शन का ग्राफ है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ग्राफ बना के दे देगा कौन सा फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, कौन सा फंक्शन को नहीं रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिंपल टेस्ट है, द वर्टिकल लाइन टेस्ट। अगर कोई भी लाइन हमको वाई एक्सिस के पैरेलल मिल गई जो ग्राफ को एक से अधिक पॉइंट पर कट करेगी तो वो फंक्शन का ग्राफ नहीं होगा, वो सिंपल रिलेशन का ग्राफ होगा। आगे देखिए बेटा, अब यहां पे बताया गया है कि हम फंक्शन को एक मशीन की तरीके से सोच सकते हैं। फंक्शन को जैसे, फंक्शन करता क्या है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे ये आपका एफ एक्स है, एफ एक्स बराबर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब हमको निकालना है एफ टू, तो क्या करेगा, टू स्क्वायर माइनस टू, तो ये कितना आएगा टू। तो इसने प्रोसेस किया, फंक्शन ने प्रोसेस किया। तो फंक्शन को हम एक मशीन की तरीके से कंपेयर कर सकते हैं, एनोलॉजी है, समानता है। हम मशीन का एक एग्जाम्पल देते हैं, जैसे जूस निकालने की मशीन। तो जूस निकालने की मशीन होती है बेटा, तो वो मशीन अपना काम करेगी, उसके इनपुट में हम क्या क्या डाल सकते हैं, रसदार फल, संतरा, मौसमी, नींबू, अनानास, अनार, जो भी रसदार फल है वो डाल सकते हैं। और जो आउटपुट निकल के आएगा वो उसका जूस होगा। अगर हम संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस, मौसमी डालेंगे तो मौसमी का जूस, इस तरीके से जो फल डालेंगे उसका जूस निकल के आएगा। तो किसी भी फंक्शन को एक मशीन या प्रोसेसर के रूप में सोचा जा सकता है। जो जो चीज हम इनपुट कर सकते हैं वो उस मशीन का डोमेन कहलाता है, और जो आउटपुट करेंगे वो उस मशीन का रेंज कहलाएगा। अब ध्यान से देखिए, आप यहां बताया गया कि इस एनालॉजी में जो डोमेन होता है वो सेट ऑफ इनपुट्स होता है, और जो रेंज होता है वो सेट ऑफ आउटपुट होता है। तो किसी भी फंक्शन को एक मशीन की तरीके से सोचा जा सकता है। जैसे हम कैलकुलेटर में करते हैं स्क्वायर रूट निकालने की मशीन, है ना, रेसिप्रोकल करने की मशीन, किसी नंबर का फैक्टोरियल निकालने का बटन होता है ना कैलकुलेटर में, उस तरीके से हम कर सकते हैं। अब यह एनालॉजी कि किसी फंक्शन को मशीन की तरीके से ट्रीट किया जा सकता है, इसलिए बताया हूं कि हम इनपुट चेंज करेंगे तो हमारा आउटपुट चेंज हो जाएगा। मैं एक चीज बताना चाहता हूं, बाद में इस चीज को आप हमसे मत पूछिएगा कि सर ये ऐसा क्यों है, तो ध्यान से देखिए आप। जैसे कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये कोई फंक्शन है, और हम एक्स की जगह रिप्लेस कर रहे हैं टू, तो हमने इनपुट क्या कर दिया, इनपुट टू कर दिया, तो हमारा आउटपुट टू के हिसाब से आ जाएगा। अगर हम मौसमी डालेंगे तो हमें मौसमी का जूस मिलेगा, संतरा डालेंगे तो संतरे का जूस मिलेगा, तो हमने टू डाला तो टू का जूस मिलेगा। ऐसे कह सकते हैं आप, ये क्या आएगा टू स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा फोर। कभी कभी सिचुएशन ऐसी आती है कि एक्स की जगह हम रख दें एक्स प्लस वन, रिप्लेस कर दें। तो यहां एक इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्या कभी एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन के बराबर हो सकती है, नहीं। हम यहां एक्स की वैल्यू एक्स प्लस वन नहीं रख रहे हैं, हम इसमें डोमेन चेंज कर रहे हैं। हम जब डोमेन चेंज करेंगे तो हमारा रेंज चेंज हो जाएगा। डोमेन क्या होगा, देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वन, एक्स की जगह एक्स प्लस वन रखिए तो ये एक्स प्लस वन होल स्क्वायर हो जाएगा। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दिया। तो यहां पे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, जो आप बार बार कंफ्यूज मत होइएगा, ऐसा जब भी रिप्लेसमेंट किया जाएगा कि एक्स इज रिप्लेस्ड बाय एक्स प्लस वन, इसका मतलब हम डोमेन चेंज कर रहे होते हैं, ना कि x की वैल्यू x प्लस वन हो सकती है, हमारा यह सेंस नहीं है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है x की जगह रख देते हैं x स्क्वायर,
कभी कभी ऐसी सिचुएशन आती है x की जगह रख देंगे 2x³, तो डिपेंड करता है कि सवाल क्या है। कभी कभी ऐसी सिचुएशन आएगी x की जगह आप रख देंगे साइन एक्स, कभी कभी सिचुएशन आएगी x का जगह रख देंगे हम e^x। तो घबराना नहीं, हम कर क्या रहे हैं, हर एक केस में इनपुट चेंज कर रहे हैं। हमारा यह मतलब नहीं है कि x की वैल्यू e^x के बराबर या x की वैल्यू साइन एक्स के बराबर, यह मतलब कतई नहीं है। हमारे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। अब इसका मैं एक एग्जाम्पल दिखाता हूं, आप ध्यान से देखिए। अब जो फंक्शन का डोमेन और रेंज अभी हम बताए हैं कि जो मशीन है जो इनपुट करेंगे वो उसका डोमेन कहलाएगा और जो आउटपुट करेंगे निकलेगा वो उसका रेंज कहलाएगा। इनपुट में हम क्या डालते हैं एक्स और आउटपुट में क्या निकलता है वाई। तो अगर बेटा ग्राफ बना हुआ है तो हम डोमेन रेंज कैसे बता सकते हैं, ध्यान से सुनिए। जैसे ये नीला वाला हमारा ग्राफ बना हुआ है, तो ये ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये हरी लाइन देखिए ये आपका डोमेन कहलाता है। अब मान लीजिए ये ए है और ये बी है, तो हमारा क्या होगा, हम लिख सकते हैं डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू ए टू बी, ए टू बी ये डोमेन हो जाएगा आपका। यानी जो ग्राफ है आपका नीला वाला एक्स एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है ये उसका डोमेन कहलाएगा। रेंज, रेंज मतलब कि वाई एक्सिस में कहां से कहां तक फैला हुआ है, ये लाल वाली लाइन देखिए यहां से यहां तक फैला हुआ दायरा, वाई एक्सिस में कितना दायरा कवर कर रहा है ये इसका क्या कहलाएगा, रेंज। हम अगर इसको सी मान लें इसको डी मान लें तो हम लिख सकते हैं रेंज ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू मतलब रिलेटेड है सी कॉमा डी। तो अगर ग्राफ बना हुआ है तो डोमेन का मतलब होगा बच्चों कि एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक ग्राफ कवर कर रहा है और रेंज निकालने के लिए वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक कवर कर रहा है तो वो रेंज कहलाता है। अब इसी की प्रैक्टिस करने के लिए एक छोटा सा सवाल हम आपको दिखाते हैं, ध्यान से देखिए। यह एक सवाल है, बहुत हल्का सवाल है, कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। कह रहा है कि एक ग्राफ बना हुआ है, लाल रंग का एक ग्राफ है, आप गौर से देखिए और सवाल पढ़िए। आप कह रहा है f3 और f5 की वैल्यू निकालिए, तो 3 देखिए, 3 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, ये है आपकी, यानी आप ग्राफ देखिए एक्स एक्सिस के नीचे आ जाएगा तो हम वैल्यू कैसे यूज करेंगे, नेगेटिव, और एक्स एक्सिस के ऊपर चला जाएगा तो वैल्यू कैसे यूज करेंगे, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिए हम यहां लिखते हैं f3 की वैल्यू कितनी आएगी, गौर से देखिए 3 पे फंक्शन की हाइट कितनी आ रही है, -2, तो ये आपका -2 आएगा। f5 देखिए, 5 हमारा यहां है, 5 पे फंक्शन की वैल्यू ये है, देखिए ये, अब ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है, कितना यूनिट, 1, 2, 3 यूनिट। तो अब आपसे कहा जाए f5 बताइए, तो हम कहेंगे f5 की जो वैल्यू होगी वो +3 होगी, यहां पे -2 होगा। तो इसका जवाब मिल गया, इसका जवाब मिल गया। अब आगे क्या पूछ रहा है, सेकेंड क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि x की वैल्यू बताइए ताकि fx3 हो, तो x की वैल्यू बताइए। अब मैं यहां एक काम करता हूं, ध्यान से देखिए, fx3 हो तो यहां में 3 पे हम लाइन खींच देते हैं, देखिए हाइट 3 हो, फंक्शन की हाइट 3 हो, तो एक ही जगह ऐसा है जहां पे हाइट 3 है तो उसके करस्पॉन्डिंग एक्स कितना है, 5। तो fx3 है तो इसका मतलब है कि x का कितना होगा वहां पे, 5। तो जहां पे x 5 है वहां पे fx की वैल्यू यानी फंक्शन की हाइट, जब भी फंक्शन की बात करें तो हम हाइट में देखेंगे, फंक्शन की हाइट 3 लेनी है उसके करस्पॉन्डिंग x बताना है, तो वही कह रहा है x की वैल्यू बताइए ताकि फंक्शन की वैल्यू जहां पे 3 हो। अब आगे कह रहा है डोमेन और रेंज बताइए फंक्शन का, तो ये काफी सिंपल है, देखिए डोमेन के लिए अभी हमने बताया है x एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है, तो देखिए यहां से यहां तक फैला है x एक्सिस पे, यहां का x कोऑर्डिनेट कितना है, -1, यहां का x कोऑर्डिनेट कितना है, 7, तो हम लिखेंगे डोमेन ऑफ द फंक्शन बिलोंग्स टू -1, 2, 7। डोमेन लिखने के लिए बेटा हम देखेंगे जो ग्राफ हमारा ये लाल वाला ग्राफ है x एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है, तो ये ग्राफ हमारा -1, 2, 7 तक फैला है। और रेंज लिखने के लिए रेंज लिखने के लिए हमको हाइट देखनी पड़ेगी, ग्राफ ये मिनिमम हाइट कितनी है, -2, और मैक्सिमम हाइट कितनी है, 7, तो रेंज आ जाएगा -2, 2, 7। तो डोमेन देखने के लिए बताया जाएगा एक्स एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है और रेंज देखने के लिए बताया जाएगा वाई एक्सिस पे कहां से कहां तक फैला है। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, बहुत बेसिक चीज है, यह आपको पता होना चाहिए। अब हम आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन देते हैं।
यह एक फंक्शन में रिलेशन दिया है, एन एक वेरिएबल है जो नेचुरल नंबर है, यहां गौर से देखिए नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर का मतलब होता है पॉजिटिव इंटीजर, 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। यानी इस रिलेशन में हम एन की वैल्यू नेगेटिव नहीं डाल सकते हैं, डेसिमल पॉइंट में नहीं डाल सकते हैं, इमेजिनरी नहीं डाल सकते हैं, क्या डाल सकते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स डालेंगे पूरे पूरे नंबर। और एफ वन की वैल्यू 2 दी गई है, F101 पूछ रहा है, तो काफी आसान क्वेश्चन है, गौर से देखिए। पहले इस रिलेशन को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं। ये दिया है एफ एन प्लस वन इज इक्वल टू, दो से डिवाइड करिए इसको तो आपको मिलेगा एफ एन प्लस हाफ, दो से डिवाइड होने के बाद। अब इस रिलेशन को हम यहां लिखें, एफ एन प्लस वन माइनस एफ एन इज इक्वल टू हाफ, ये एक रिश्ता आ गया। ठीक, अब हम n की वैल्यू 1 डालते हैं इस रिलेशन में, n की वैल्यू 1 डालिए तो क्या मिलेगा, f2 माइनस f1 इज इक्वल टू हाफ। n की वैल्यू बेटू 2 डालिए, f3 माइनस f2 इज इक्वल टू हाफ। n की वैल्यू 3 डालिए, f4 माइनस f3 इज इक्वल टू हाफ एंड सो ऑन। एन की वैल्यू आप हमको निकालना क्या है, देखिए 101 एफ 101, एन की वैल्यू 100 डालिए तो क्या मिलेगा, एफ 101 माइनस एफ 100, ये कितना हो जाएगा, ये आपका हाफ हो जाएगा। अब इसको हम जोड़ेंगे, गौर से देखिए इसको जोड़ेंगे, इक्वल टू साइन के लेफ्ट में जोड़ेंगे, इक्वल टू साइन के राइट में जोड़ेंगे, तो इक्वल टू साइन के लेफ्ट में ये कट जाएगा, क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है और एक दूसरे का साइन अपोजिट है, ये भी कट जाएगा, साइन अपोजिट है और इक्वल, इसके नीचे क्या आएगा, एफ फाइव माइनस एफ फोर ये कट जाएगा, इसके ऊपर क्या आएगा, एफ हंड्रेड माइनस एफ 99, इस तरीके से ऐसे डायगोनल कट जाएंगे। इस तरीके के जोड़ को कहा जाता है टेलीस्कोपिक सम, इस तरीके की जोड़ को कहा जाता है टेलीस्कोपिक सम, जो डायगोनली कट जाते हैं, कभी कभी ऐसे ऐसे कटता है। अब यहां गौर से देखिए, यहां क्या बचा, एक टर्म ये बचा, एक टर्म ये इसको उतारिए, एफ 101 माइनस एक ये बचा, लेकिन इसके सामने माइनस है इसलिए मैंने माइनस लगाया एफ 1, और ये कितना हो जाएगा, कितनी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, 1 पहली लाइन, दूसरी लाइन, तीसरी लाइन, 100वीं लाइन, 100 हॉरिजॉन्टल लाइंस, तो हाफ को 100 बार जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आपका 50 हो जाएगा, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ 100 टाइम्स 50 हो जाएगा। अब यहां देखिए F1 की वैल्यू 2 दी गई है, तो यहां से क्या आ जाएगा, F101 माइनस 2 इज इक्वल टू 50, यहां से F101 क्या आ जाएगा, ये 52 हो जाएगा। तो गौर से देखिए, ये आपका करेक्ट आंसर है, काफी सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा भी ध्यान से करें तो आपसे आराम से लग जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि बहुत जल्दी ये वीडियो आगे बढ़ा देते हैं तो आप पॉज कर लिया करिए, पॉज करके नोट कर लिया करिए, कॉपी और कलम लेके बैठा करिए, नोट कर लिया करिए, तब आगे बढ़ा करिए। आपको इस बात का भरोसा दिला रहा हूं कि इंडिया का वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट मिलेगा आपको हमारे चैनल पे, वन ऑफ द बेस्ट, ये मेरे कहने से नहीं बेटा, ये आपको देखने से पता चलेगा कि आपको क्या क्वालिटी मिल रही है, यहाँ पे क्वेश्चन की क्वालिटी एकदम एकदम गजब क्वालिटी होगी। तो अब अगला क्वेश्चन लेता हूं मैं, ध्यान से देखिए, कह रहा है एक फंक्शन है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यह रिलेशन दिया गया है, फॉर ऑल पॉजिटिव रियल वैल्यूज ऑफ एक्स, ये चीज क्या बोला है कि एक्स की कोई भी वैल्यू डालेंगे लेकिन पॉजिटिव और रियल, कभी भी नेगेटिव या जीरो नहीं डाल सकते। और दिया गया है एफ हाफ की वैल्यू रूट पाई है, तो कह रहा है इसकी वैल्यू निकालो, तो ये स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। रिकरेंस रिलेशन का मतलब होता है कि पहले डायरेक्टली हम ये नहीं निकाल पाएंगे, स्टेप बाय स्टेप निकलेगा। मैं आपको करके दिखाता हूं, समझाता हूं, ध्यान से देखिए। जैसे ये रिलेशन है एफ ऑफ एक्स प्लस वन इज इक्वल टू एक्स इंटू एफ एक्स, अब इस रिलेशन में हम एक्स की जगह डालेंगे हाफ, तो हमको क्या मिलेगा, एफ थ्री बाई टू हो जाएगा, हाफ में वन जोड़ो थ्री बाई टू, और ये होगा हाफ एफ हाफ हाफ, एफ हाफ की वैल्यू क्या है रूट पाई, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ रूट पाई हो जाएगा, तो ये एफ थ्री बाई टू आया।
डायरेक्टली ये नहीं मिलेगा, स्टेप बाय स्टेप मिलेगा। अब मैं दूसरा कैलकुलेशन कर रहा हूं, ये जो रिलेशन है इसमें x की जगह डालिए 3/2, तो क्या मिलेगा देखिए, तो क्या मिलेगा f ऑफ 5/2 इज इक्वल टू 3/2 इंटू एफ 3/2, और एफ 3/2 आप निकाल चुके हो, उसकी वैल्यू डालो, एफ 3/2 कितना निकला है 3/2 इंटू हाफ रूट पाई, ये आपकी वैल्यू आ गई एफ 5/2 की। इसको कर सकते हैं 3/4 रूट पाई। अब अल्टीमेटली देखिए जो हमारा पूछा गया है वो निकलेगा। अब इसी रिलेशन में, इस रिलेशन में x की जगह 5/2 डाल दीजिए, तो देखिए क्या होता है एफ ऑफ 7/2 इज इक्वल टू 5/2 इंटू एफ ऑफ 5/2, और एफ ऑफ 5/2 आप निकाल चुके हैं, तो ये 5/2 इंटू 3/4 इंटू रूट पाई, ये आंसर आया हमारा, ये 15/8 रूट पाई, ये हमारा आंसर आया 15/8 रूट पाई, ये करेक्ट आंसर होगा। तो काफी ही आसान सवाल है, कठिन नहीं होता है सवाल, कोई भी सवाल कठिन नहीं होता है, बस प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अब बेटा हम चलेंगे अगले क्वेश्चन के लिए और आप ध्यान से देखेंगे उसको। कह रहा है कि ऑल रियल वैल्यूज ऑफ यू एंड वी एक रिलेशन दिया गया है और कह रहा है एक्स के सारे रियल वैल्यूज के लिए इसकी वैल्यू बताइए। काफी आसान सवाल है लेकिन थोड़ा ट्रिकी है। अब ध्यान से देखिए, यू और वी कोई भी रियल नंबर है, रियल नंबर वो होते हैं जिसमें आई नहीं होता है, अगर आई आ गया तो रियल नंबर नहीं होगा, वो इमेजिनरी नंबर होगा। तो अब देखिए एक रिलेशन हमको दिया गया है एफ ऑफ यू प्लस वी प्लस एफ ऑफ u माइनस वी इज इक्वल टू ट्वाइस एफ यू कॉस वी, यह आपको दिया गया है और इसकी वैल्यू बताना है। तब यहां पे एक देखिए थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा, कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। यहां देखिए ये f है, ये भी f है, ये f है, ये भी f है, हमको u प्लस वी की जगह पे क्या चाहिए, u प्लस वी की जगह पे चाहिए पाई माइनस एक्स, और u माइनस वी की जगह पे क्या चाहिए, u माइनस वी की जगह पे चाहिए माइनस एक्स। तो अब देखिए इसको ऐड कर दीजिए, ऐड करेंगे इसको आप ऐड करिए तो क्या मिलेगा, u मिलेगा पाई बाई टू माइनस एक्स, और सब्ट्रैक्ट करिए, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपको मिलेगा v इज इक्वल टू पाई बाई टू, ये मिला। तो अगर हम इस रिलेशन में u की जगह डाल दें पाई बाई टू माइनस एक्स और वी की जगह डाल दें पाई बाई टू, तो हमको डिजायर्ड चीज मिल जाएगी, इस चीज की वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन ये चीज हम सपना नहीं देख रहे थे, ये कैसे हम लाए हैं, ये लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। अब देखिए वैल्यू डालते हैं हम, एफ ऑफ यू की वैल्यू डालिए पाई बाई टू माइनस एक्स और वी की वैल्यू डालिए पाई बाई टू, एफ ऑफ यू कितना है पाई बाई टू माइनस एक्स और ये माइनस पाई बाई टू, इधर क्या हो जाएगा राइट हैंड साइड में 2f ऑफ पाई बाई टू माइनस एक्स इंटू कॉस पाई बाई टू, ये रिलेशन आ गया। अब गौर से देखिए यहां पे f ऑफ पाई माइनस एक्स मिला आपको, और ये कैंसिल हो जाएगा, यहां क्या मिला f ऑफ माइनस एक्स, और कॉस पाई बाई टू कितना होता है बच्चों, कॉस पाई बाई टू जीरो होता है, तो इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। तो यही चीज हमसे पूछी गई थी और इसकी वैल्यू जीरो, काफी ट्रिकी क्वेश्चन था। अगर इस बात को हम सोच नहीं पाते कि यू की वैल्यू क्या डालें वी की वैल्यू क्या डालें तो इसको नहीं लगा पाती, इसकी वैल्यू क्या आ गई जीरो, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन। अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अभी हम पढ़े हैं फंक्शन के अंदर एक ही वेरिएबल होता है यानी एफ एक्स या एफ वाई या एफ थीटा, यहां दो दो वेरिएबल आ गया, इसका कोई खास मतलब नहीं, इसका मतलब यह है कि फंक्शन की वैल्यू एक्स और वाई पे डिपेंड करती है, सिंगल वेरिएबल के बजाय दो दो वेरिएबल पे डिपेंड करती है एक्स और वाई, और कहा है कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू बताइए फंक्शन की, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू।
तो फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू बताने के लिए देखिए डिनोमिनेटर गौर से देखिए, तो डिनोमिनेटर को अगर हम मिनिमम कर रहे हैं तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? मैक्सिमम। तो हम डिनोमिनेटर को उठा रहे हैं, देखिए ध्यान से, ये डिनोमिनेटर हम उठा लिए हैं और इसको हम मिनिमाइज करेंगे, मिनिमम करेंगे, ये परफेक्ट स्क्वायर बनाने जा रहे हैं हम। तो इसको लिख सकते हैं हम एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से आएगा, वाई स्क्वायर से आएगा, माइनस टू ए बी से आएगा, एक्स्ट्रा कितना बचा? चार। यानी इस चीज की जगह हमने क्या लिख दिया? ये। और यहां पे बताया गया है कि एक्स वाई रियल नंबर है, तो किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर हम बताते हैं, देखिए जीरो का स्क्वायर जीरो, माइनस टू का स्क्वायर फोर, थ्री का स्क्वायर नाइन। तो किसी भी रियल नंबर का जो स्क्वायर होता है बच्चों, ये जीरो होगा या पॉजिटिव होगा, किसी भी रियल नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इस चीज को हम लिख सकते हैं फोर प्लस एक्स माइनस टू वाई का होल स्क्वायर। अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? जीरो या पॉजिटिव, ये रियल नंबर है, चूंकि एक्स वाई रियल है इसलिए रियल है। अब इसको मिनिमम करना है तो गौर से देखिए, जीरो जोड़ेंगे चार में तब मिनिमम आएगा कि पॉजिटिव जोड़ेंगे तब मिनिमम आएगा? बहुत आसान सी बात है कि जीरो जोड़ेंगे तब मिनिमम आएगा। तो जो ये एक्सप्रेशन है इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी? फोर प्लस जीरो, मिनिमम वैल्यू के लिए, मिनिमम वैल्यू। और जब डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो फंक्शन क्या हो जाएगा? मैक्सिमम। तो देखिए हम फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकालते हैं, फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी? इसको मैक्सिमम करने के लिए डिनोमिनेटर को मिनिमम करना पड़ेगा, तो डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू आई है चार, तो ये आंसर हो जाएगा ये आपका। तो सिंपल लॉजिक का क्वेश्चन है, देखिए परफेक्ट स्क्वायर बनाने वाला क्वेश्चन है, कोई खास कठिन क्वेश्चन नहीं है। अब हम अगला सवाल लेते हैं, ध्यान से देखिए, यहां पर भी वही है, फंक्शन की वैल्यू दो दो वेरिएबल के टर्म में डिफाइन की गई है और आपसे पूछा गया है कि fx कामा y क्या होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, मैं यहां पे एक चीज दिखाता हूं, ध्यान से देखिए, हम जो ये x प्लस टू वाई है इस फंक्शन के अंदर, इसकी जगह एक सिंगल वेरिएबल मान लेंगे u, रिप्लेस करेंगे। अभी हमने कहा था ना फंक्शन का डोमेन चेंज करेंगे तो रेंज बदल जाएगा, तो हमने x प्लस टू वाई को किससे रिप्लेस कर दिया? u, और x माइनस टू वाई को हमने रिप्लेस कर दिया v से। इसलिए किया, यहां पे एक सिंगल वेरिएबल आ जाए, यहां पे और यहां पे एक सिंगल वेरिएबल लाने के लिए ऐसा रिप्लेसमेंट किया है। अब इसको हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे, और जब ऐड करेंगे तो x कितना आएगा? u प्लस v बाई टू। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट करने में आएगा y इज इक्वल टू u माइनस v बाई फोर, इतना आएगा। अब यहां पे जो रिलेशन है एफ यू का मी हमने जो मान लिया, यहां पे क्या दिया है? एक्स वाई, तो एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू यू वी के टर्म में डालिए। एक्स की वैल्यू कितनी है? यू प्लस वी बाई टू इंटू वाई की वैल्यू कितनी है? यू माइनस वी बाई फोर। अब यहां पे फैक्टराइजेशन है ना, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एट। ये किसकी वैल्यू आ गई? एफ यू कामा बी की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा क्या गया है? हमसे कहा गया है कि आप बताइए इसकी वैल्यू, इसकी वैल्यू एफ एक्स कामा वाई की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे? यू को किससे रिप्लेस कर देंगे? एक्स, फिर हम डोमेन चेंज कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा यू बराबर भी नहीं है, डोमेन चेंज कर रहे हैं, और वी की जगह क्या रख देंगे? वाई। तो हमको क्या मिल जाएगा? एफ एक्स कामा वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एट। तो यह हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो यह भी काफी आसान सवाल था। अब आपको हमारे चैनल पे ऐसे तमाम वीडियोज मिलते रहेंगे, जरा कंटिन्यू रखिएगा इसको देखना, और तैयारी बड़ी अच्छी चलेगी जे एडवांस लेवल तक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में कहा गया है कि एक फंक्शन है एफ एक्स बराबर ये, और कहा गया है इसकी वैल्यू बताइए, सीरीज का सम बताइए। तो अगर हम यहीं से सीधे फंक्शन ले लेंगे और सीरीज का सम बताने का प्रयास करेंगे तो हम कहीं ना कहीं अटक जाएंगे। पहले हम दिखाते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं, जो यहां डिनोमिनेटर में दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, इसका फैक्टराइजेशन होगा एक्स प्लस टू और एक्स प्लस थ्री। क्वाड्रेटिक का फैक्टराइजेशन है, हम छोटे क्लासेस से पढ़ते हैं, काफी आसान। अब ये जो रिलेशन है आपका, मैं इधर लिखता हूं
इसको लिखा जा सकता है वन अपॉन एक्स प्लस टू इंटू एक्स प्लस थ्री। अब पार्शियल फ्रैक्शन एक चीज होती है, पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन का प्रयोग करके हम लोग लिख सकते हैं वन बाई एक्स प्लस टू माइनस वन बाई एक्स प्लस थ्री। आप जरा उल्टा कैलकुलेशन करके देखिए तो यही आ जाएगा, एलसीएम लेके देखिए तो यही आएगा। अब हमको ये मिल गया। अब देखिए, अब हमको निकालना है एफ वन, तो हम एक्स की जगह वन डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा एफ वन, एफ वन कितना आएगा वन बाई थ्री माइनस वन बाई फोर, ये हमारा एफ वन आ गया। अब हम x की जगह 2 डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा f2 1 बाई फोर माइनस वन बाई फाइव। अब x की जगह 3 डालेंगे f3 1 बाई फाइव माइनस वन बाई सिक्स। फाइनली हमको 2010 निकालना है, x की जगह 2010 डालें तो देखिए क्या मिलता है f 2010, ये क्या होगा 1 बाई 2012 माइनस 1 बाई 2013, ये चीज मिला आपको। अब इसको जोड़ेंगे, हम जोड़ेंगे तो गौर से देखिए, एफ वन से लेके एफ 2010 तक का जोड़ निकालना है। इस सीरीज के जोड़ को हम एस मान लेते हैं। अब ये देखिए डायगनली कट कर जाएगा इसे। इस टाइप के जोड़ को कहा जाता है टेलीस्कोपिक सम, ये अभी हम बता चुके हैं। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी 1 बाई 3 माइनस 1 बाई 2013। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करेंगे तो ये 2010 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 2013 आएगा। तो अब जरा गौर से देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है। अब ये शायद कैंसिल हो जाएगा, यहां से 3 कैंसिल हो जाएगा, गौर से देखिए तो 3 6 18 7 0 आपका यह आएगा 6 7 0 by 2013 6 7 0 by 2013। तो यह आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर इसको हम डायरेक्टली यहां से निकालने का कोशिश करते तो बच्चों हमको नहीं मिलता, क्यों? क्योंकि एफ वन और एफ टू और एफ थ्री की वैल्यू आती है उसमें कोई पैटर्न ही नहीं होता, इसीलिए हम टेलीस्कोपिक सम का सहारा लिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन काफी आसान है, लॉग की छोटी मोटी प्रॉपर्टी यूज होगी, लॉगरिथम भी बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया जाएगा। कह रहा है कि एक फंक्शन है f, ये दो चीजों पे डिपेंड कर रहा है x और n पे, ऐसे दिया गया है, इस रिलेशन को सेटिस्फाई। पहले हम आपको सिग्मा बता दें, जो सिग्मा होता है ये क्या होता है, मान लीजिए ar लिखा है, r की वैल्यू 1 से लेके n तक, तो सिग्मा का मतलब होता है r की वैल्यू 1 रखेंगे, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, फाइनली कितना रखेंगे n, यहां पे शुरू हो रहा है r की वैल्यू, यहां पे खत्म, और सबको जोड़ देंगे। देखिए जैसे मैंने r की वैल्यू 1 डाली तो क्या आएगा a1, 2 डाली तो क्या आएगा a2, 3 डाली तो क्या आएगा a3, n डाली तो क्या आएगा an। अब करना क्या है, इन सबको जोड़ देना है, प्लस सिग्मा का मतलब होता है जोड़, सबको जोड़ देंगे, तो ये सिग्मा का मतलब है। तो काफी आसान है, मैं आपको करके दिखाता हूं। अब देखिए हमसे कहा जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स कॉमा 10 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कॉमा 11, इसको सॉल्व करना है हमको। तो देखिए अगर यहां पे n है तो यहां पे n है, यहां पे 10 है तो यहां पे 10 होगा, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 10 लॉग बेस एक्स और के अपॉन एक्स। यहां पे क्या आएगी सिग्मा के इज इक्वल टू 1 to 11 लॉग बेस एक्स के अपॉन एक्स, यह आएगा। अब हम क्या करने वाले हैं, इसको एक्सपेंड करेंगे। के की वैल्यू कहां से शुरू होगी 1 से, कहां पे खत्म होगी 10 पे। अब गौर से देखें तो ये वैल्यू क्या आएगी, के की वैल्यू 1 डालिए तो लॉग बेस एक्स 1 बाई एक्स प्लस लॉग बेस एक्स 2 बाई एक्स, चलते रहिए फाइनली लॉग बेस एक्स 10 बाई एक्स। अब इधर क्या वैल्यू लेंगे गौर से देखें, लॉग बेस एक्स 1 बाई एक्स लॉग बेस एक्स 2 बाई एक्स प्लस लॉग बेस एक्स 10 बाई एक्स प्लस
log बेस x 11 बाई एक्स। अब यहां एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस करिए आप, ये चीज इतना और ये चीज यहां से लेके इतना ये सेम है, ये कैंसिल हो जाएगा। देखिए 1 से 10 तक, ये 1 से 10 तक कैंसिल हो जाएगा। आपका बचा क्या, log बेस x 11 बाई एक्स, ये कितना बचा आपका कैंसिल हो जाने के बाद, 0। अब बताइए किस नंबर का लॉग 0 होता है, 1 का लॉग 0 होता है। इसका मतलब क्या है, 11 बाई एक्स की वैल्यू है 1, इसका मतलब x कितना है 11, तो आपका ये करेक्ट ऑप्शन। तो कोई खास बात नहीं है, काफी सिंपल सवाल था। अगला क्वेश्चन ये है कि एबीसी कांस्टेंट है दिया गया और एक फंक्शन ऐसा दिया गया है, f माइनस 7 की वैल्यू 7 है तो f 7 की वैल्यू बताना है। तो ये जो रिलेशन है फंक्शन, इसको मैं कॉपी करता हूं, ए एक्स रेस टू पावर 7 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस सी एक्स माइनस 5। अब इसमें हम x की जगह डाल देते हैं माइनस एक्स, ये इसलिए हम डाल रहे हैं कि यहां पे माइनस और यहां पे प्लस भी रिलेशन निकालना है। अब हमें क्या मिलेगा, f माइनस एक्स ए माइनस एक्स रेस टू पावर 7 प्लस बी माइनस एक्स का क्यूब प्लस सी माइनस एक्स माइनस 5। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, f माइनस एक्स, ये देखिए r पावर है इसके वजह से ये माइनस हो जाएगा, यहां पर भी r पावर है और यहां पर भी r पावर है, ये आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों रिलेशन को हम ऐड करेंगे, जोड़ेंगे। तो जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा बेटा, गौर से देखिए, हमको मिलेगा एफ एक्स प्लस एफ माइनस एक्स। यहां पे क्या होगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, और माइनस फाइव और माइनस फाइव मिलके क्या हो जाएगा, माइनस 10। अब इस रिलेशन में x की जगह 7 डालेंगे तो f 7 प्लस f माइनस 7 इज इक्वल टू माइनस 10। अब गौर से देखिए, यहां पे f माइनस 7 की वैल्यू दी गई है, f माइनस 7 की वैल्यू कितनी दी गई है, गौर से देखें, ये दी गई है 7 और ये क्या है माइनस 10। सॉल्व करेंगे तो f 7 की वैल्यू आएगी माइनस 17। काफी इजी सवाल है, कोई खास बात नहीं है। अब हम आपको लेके चल रहे हैं बच्चों अगली सवाल की तरफ। ये देखिए, कह रहा है कि एक फंक्शन है fx, जहां पे a पॉजिटिव नंबर है और f ऑफ √2 बराबर √2 है तो a की वैल्यू बतानी है, यानी ये कंपोजिट फंक्शन है। कंपोजिट फंक्शन भी अभी डिटेल में पढ़ेंगे, यहां पे फंक्शन के अंदर फंक्शन कंपोजिट फंक्शन है, तो इसकी वैल्यू -√2 है तो a की वैल्यू बतानी है। तो देखिए, ये जो रिलेशन दिया है इसमें x की जगह डालिए fx बोथ साइड, तो आपको क्या मिलेगा, f ऑफ fx a fx का होल स्क्वायर -√2। और अब हम x की जगह √2 डालेंगे, क्योंकि देखो हमको क्या निकालना है, f ऑफ f √2, तो x की जगह √2 डालेंगे बोथ साइड, तो हमको क्या मिलेगा, f ऑफ f √2 इज इक्वल टू a f ऑफ √2 होल स्क्वायर -√2। अब हमको क्या करना है बच्चों, यहां गौर से देखिए, यहां से f √2 की वैल्यू निकालेंगे, x की जगह √2 डाल दीजिए इसमें, तो हमको क्या मिलेगा, f √2 इज इक्वल टू 2a, देखिए √2 का स्क्वायर होगा तो 2 हो जाएगा -√2, ये हमें f √2 की वैल्यू मिलेगी जो यहां डालेंगे, तो a 2a -√2 ये होल स्क्वायर -√2। अब इस चीज की वैल्यू क्या दी गई है, -√2, गौर से देखिए, इस चीज की वैल्यू -√2 दी गई है, तो -√2 कब आएगा, -√2 तब आएगा जब इतना चीज जीरो हो जाए, गायब हो जाए। एफ ऑफ √2 की वैल्यू देखिए -√2 दी गई है, तो -√2 कब आएगा, जब ये जीरो हो जाए। अब इसको जीरो लाने का क्या तरीका है, ए जीरो ले लिया जाए, चाहे 2a -√2 को जीरो ले लिया जाए। अब यहां पे देखिए a की वैल्यू क्या आएगी, √2 बाई 2 डेट इज 1 बाई √2,
और यहां दिया है कि a पॉजिटिव नंबर है, तो a को हम जीरो नहीं ले सकते, तो हम a को क्या लेना पड़ेगा, वन अपॉन रूट टू। तो देखिए काफी आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ लेके चल रहे हैं, आपको ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये है, जेई का क्वेश्चन है, फंक्शन का ये रिलेशन दिया गया है और कह रहा है कि x की वैल्यू जीरो नहीं है। क्यों? क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में जीरो नहीं हो सकता है, उसीलिए कहा है कि x की वैल्यू जीरो नहीं है, तो कह रहा है fx की वैल्यू बताइए। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, एक जो रिलेशन दिया है, इस रिलेशन में x की जगह डालिए 1/x, तो हमको एक नया रिलेशन मिल जाएगा। दिखाता हूं मैं आपको, देखिए 3f ऑफ 1/x प्लस 5fx इज इक्वल टू एक्स माइनस 3। एक ये नया रिलेशन आ गया और एक रिलेशन ये है, इसको जरा हम ऑर्डर में लिखते हैं, क्रम में 5fx प्लस 3f ऑफ 1/x इज इक्वल टू क्या मिला, x माइनस 3। और एक रिलेशन और दिया है 3fx जो आपको गिवन है, ये वाला रिलेशन मैं यहां कॉपी कर रहा हूं, 3fx प्लस 5f 1/x इज इक्वल टू 1/x माइनस 3। अब खास बात है बेटा कि हमको निकालना क्या है, गौर से देखिए, हमको निकालना है fx निकालना है। अब यहां पे देखिए हमारे पास दो रिलेशन है, रिलेशन नंबर 1 और रिलेशन नंबर 2। रिलेशन नंबर 1 हमने इससे जनरेट किया है x की जगह 1/x रख के, और रिलेशन नंबर 2 दिया था उसको कॉपी किया है। इन दोनों जगह से इस चीज को एलिमिनेट करना है, f ऑफ 1/x, देखिए इस चीज को एलिमिनेट कर देना है ये वाला टर्म, तो हमारा क्या आ जाएगा, fx आ जाएगा। तो कैसे एलिमिनेट करेंगे, इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से और इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ये कोफिशिएंट इंटरचेंज करके मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या आएगा 25fx प्लस 15f1/x, ये क्या आएगा 5x माइनस 3। यहां पे क्या आएगा बच्चों, 9fx प्लस 15f1/x इज इक्वल टू 3/x माइनस 9, ये आपका आया। इसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पे एक मिस्टेक हो गई है, मैं सही कर देता हूं। यहां जब इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां 15 होगा, यहां 15 होगा, और यहां पे 3 से मल्टीप्लाई किया ऐसा हो। अब हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट करिए, तो जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हुआ, ये क्या आएगा 16fx इज इक्वल टू 5x माइनस 3/x, और ये माइनस 6 बचेगा, तो fx क्या आएगा, आप गौर से देखें, मैं यहां लिखता हूं fx क्या आएगा, fx आपका आएगा 1 अपॉन 16 5x माइनस 3 अपॉन x माइनस 6, ये हमारा आंसर आएगा। अब जरा हम ऑप्शन को खोजते हैं, देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, 5x माइनस 3x माइनस 6, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो बेटा काफी इजी सवाल है, कोई कठिन सवाल नहीं है, इसमें ट्रिक क्या है वो इंपॉर्टेंट है। ट्रिक ये है कि एक रिलेशन दिया रहेगा और दूसरा रिलेशन हमको जनरेट करना है, कैसे जनरेट करेंगे वो भी हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। हम क्या करेंगे, जो यहां पे x है उसको किससे रिप्लेस करेंगे, 1/x, तो एक नया टर्म, नया इक्वेशन बन जाएगा, और एक पुराना इक्वेशन कॉपी कर लेंगे और उसमें f 1/x के टर्म को एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि हमको निकालना क्या है fx। इसी टाइप का एक क्वेश्चन मैं और कराता हूं, जरा ध्यान से देखिए। यहां बताया गया कि एक फंक्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो fx बताना है, ये पिछला सवाल जैसा ही है, बस खाली सिस्टम चेंज हो गया है। यहां पर हम x की जगह किससे रिप्लेस करेंगे, 1-x, यानी x की जगह रखेंगे 1-x इस फंक्शन में दोनों तरफ, तो 2f ऑफ 1-x प्लस f ऑफ 1-1-x की जगह पे रखेंगे, ये 1-x का होल स्क्वायर, इसको सिंप्लीफाई करिए
तो 2f ऑफ 1 माइनस एक्स प्लस एफ एक्स हो जाएगा, यहां 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस एक्स प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब एक रिलेशन ये है जो हमारा आया है, और एक रिलेशन हम ये ओरिजिनल वाला कॉपी करेंगे। क्या कॉपी करेंगे? 2fx प्लस f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमको किसको गायब करना है, हमको किसको एलिमिनेट करना है? हमको एलिमिनेट करना है इसको, देखो इसको, इसको, दोनों रिलेशन से। ये रिलेशन नंबर 2 है। ये कैसे आया है? पहला वाला आया है इसको रिप्लेस करके, और दूसरा वाला हमने कॉपी कर लिया। अब कैसे कैसे हम इसको एलिमिनेट करेंगे? इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4। इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 4 एफ एक्स प्लस 2f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर। और पुराना वाला रिलेशन हम कॉपी करेंगे यहां पे, इसको देखिए एक ऑर्डर में कॉपी करते हैं, एफ एक्स प्लस 2f ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 3fx, ये कैंसिल हो गया, ये कितना बचेगा? 2x स्क्वायर माइनस 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ये आपका होगा 2x स्क्वायर, ये माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये इतना आ जाएगा। अब इसको अगेन हम इधर सॉल्व करते हैं, 3fx कितना आएगा? ये आपका आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x, साइन वगैरह चेंज कर लेंगे हम लोग, माइनस 1। तो fx कितना हो जाएगा भाइयों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 अपॉन 3। अब ये देखिए ये वाला ऑप्शन सही है। तो दोनों सवाल एक ही टाइप का था, उसमें x की जगह किससे रिप्लेस किए थे? 1/x। यहां x की जगह किससे रिप्लेस किए हैं? 1 माइनस एक्स। कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। अब इसको आप कॉपी कर लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन देखिए। ये एक सवाल है, गौर से देखिए। ये फंक्शन की वैल्यू 1/x है, x के सारे वैल्यूज के लिए, लेकिन x 0 नहीं होगा। क्यों? क्योंकि x डिनोमिनेटर में है, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता, तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। यहां पे बताइए फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन के अंदर है x डिवाइडेड बाई x माइनस 1। यहां फंक्शन के अंदर क्या है? sec स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे हमने sec स्क्वायर थीटा ले लिया, इस फंक्शन की जगह, अंदर जो भी चीज है इसकी जगह मैंने क्या ले लिया? sec स्क्वायर थीटा, क्योंकि वही बताना है हमको। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, x इज इक्वल टू एक्स sec स्क्वायर थीटा माइनस sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से हम क्या करेंगे? sec स्क्वायर थीटा को लेफ्ट में लाएंगे और इसको राइट में ले जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। और एक ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी होती है, आपको मैं रिकॉल करके समझा दूं, बता दूं, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा। तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? sec स्क्वायर थीटा अपॉन tan स्क्वायर थीटा, ये क्या होगा? 1 अपॉन cos स्क्वायर थीटा, और ये क्या होगा? sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये क्या आएगा? 1 अपॉन sin स्क्वायर थीटा। तो अगर इसके अंदर हम यहां पे ले लिए हैं sec स्क्वायर थीटा, तो यहां पे x की जगह पे हम क्या रख सकते हैं? x की जगह पे हम रख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर थीटा। अब ये ऊपर चला जाएगा तो क्या बचेगा? sin स्क्वायर थीटा। तो हमारा करेक्ट आंसर ये। तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है। अब हम आपको लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए, थोड़ा सा इंटीग्रल लगा है, घबराना नहीं, एक छोटा सा फॉर्मूला इसमें लगेगा। पहले मैं बता दूं, एक्स रेस टू पावर एन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होता है एक्स रेस टू पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, ये होता है इंटीग्रेशन की वैल्यू, कोई खास बात नहीं है इसमें। अब मैं इसको सॉल्व करने का ट्रिक बता रहा हूं आपको, उसको गौर से देखेंगे। यहां देखिए
इस फंक्शन को निकालना है और अंदर फंक्शन मालूम नहीं, इंटीग्रेशन के दौरान फंक्शन पता होना चाहिए, फंक्शन हमको पता है नहीं। तो अब देखिए इंटीग्रेशन का एक नियम है कि अगर लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू कांस्टेंट है तो अंदर कैसा भी फंक्शन हो, कितना भी बड़ा फंक्शन हो, इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आएगी, कांस्टेंट आएगी। तो इसीलिए हम इसको 0 से 1 वाई एफ वाई डी वाई इसकी वैल्यू क्या आएगी ये हमको नहीं मालूम, लेकिन ये कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा। इस कांस्टेंट को हम मान लेते हैं के, और ये कांस्टेंट होगा। क्यों? क्योंकि लोअर लिमिट और अपर लिमिट की वैल्यू कांस्टेंट है। जब भी ये इंटीग्रेट होगा इसका आंसर आएगा वाई के टर्म में, वाई की जगह अपर लिमिट माइनस वाई की जगह लोअर लिमिट रखेंगे तो कांस्टेंट हो जाएगा। अब देखिए अब सॉल्व करना बड़ा आसान है। अब यहां से देखिए हम एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, हम एफ एक्स की वैल्यू लिख सकते हैं 3x प्लस कांस्टेंट के। अब एफ एक्स हमारा आ गया। अब हमारा मतलब यह है कि के कांस्टेंट मिल जाए किसी सूरत से। अब के कांस्टेंट हम किसको अज्यूम किए हैं, देखिए के हमने अज्यूम किया है 0 to 1 वाई एफ वाई डी वाई, इसको अज्यूम किया है। अब देखिए बेटा हमको एफ एक्स मालूम है तो हम एफ वाई भी निकाल सकते हैं। एफ वाई क्या होगा, 3y प्लस के, और इस एफ वाई की वैल्यू यहां डालेंगे, k की वैल्यू क्या आएगी 0 to 1 वाई 3y प्लस के डी वाई 0 to 1 3y स्क्वायर प्लस के वाई। और अभी हमने कहा था इंटीग्रेशन का यही फार्मूला लगेगा आपका, तो वो फार्मूला लगाइए तो ये क्या आ जाएगा, y क्यूब बाई 3 कैंसिल हो जाएगा, k y स्क्वायर बाई 2, फिर हम लोग रखेंगे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो उससे किसकी वैल्यू आएगी, k की। देखिए k इज इक्वल टू अपर लिमिट क्या आएगा, 1 प्लस k बाई 2, और लोअर लिमिट क्या आएगा, लोअर लिमिट 0 आ जाएगा, दोनों जगह y की जगह 0 डालेंगे, इधर लाइए तो ये क्या हो जाएगा, k बाई 2 इज इक्वल टू 1। यहां से देखिए k की वैल्यू क्या आएगी, 2। तो जो k है हमारा, हमारा जो फंक्शन है वो हमारा फंक्शन क्या है, ये है, और k की जगह हमको क्या डालना है, k की जगह 2 डालना है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ये। तो देख लीजिए काफी सिंपल क्वेश्चन है, कोई खास बात नहीं है, तो घबराना नहीं है कि इंटीग्रेशन आ गया, कोई विशेष इंटीग्रेशन नहीं है, यही एक लगा है हल्का फुल्का इंटीग्रेशन। अब आपको दूसरे क्वेश्चन की तरफ लेके चलते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, ध्यान से देखिए। यहां पे बताया गया है कि fx एक रियल वैल्यूड फंक्शन है, रियल वैल्यूड फंक्शन है fx, जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ध्यान से देखिए इस कंडीशन को, और ये दिया है कि कब ट्रू है, फॉर ऑल एक्स कॉमा y बिलोंग्स टू रियल नंबर, इस सिंबल का मतलब होता है फॉर ऑल एक्स कॉमा y जो इसमें यूज हुआ है वेरिएबल, बिलोंग्स टू मतलब रिलेटेड, आर मतलब रियल नंबर्स, रियल नंबर्स का मतलब होता है माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी तक कोई भी नंबर, रियल नंबर, इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए, वो आई के टर्म में नहीं होना चाहिए, रियल नंबर हो, चाहे नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो चाहे जीरो, इसमें हम कुछ भी डाल सकते। और ये कहा गया है कि एफ वन की वैल्यू ए है और ए की वैल्यू 1 नहीं है, तो अब आपसे कह रहा है इसकी वैल्यू बताइए, एफ वन प्लस एफ टू प्लस एफ थ्री डॉट 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 एफ। तो बेटा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको फंक्शन को खोजना पड़ेगा। अब ये जो रिलेशन दिया है एक्स वाई के सारे वैल्यूज के लिए ट्रू है। यहां पे मैं एक रिप्लेसमेंट कर रहा हूं, गौर से देखिए, वाई की जगह मैंने 1 रिप्लेस किया तो ये क्या हो जाएगा, देखिए 2fx, वाई को 1 डालेंगे तो एक्स इंटू 1 हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू fx रेस टू पावर 1 प्लस एफ वन रेस टू पावर एक्स, और इस सवाल में एफ वन की वैल्यू 1 दिया है और इस सवाल में एफ वन की वैल्यू ए दिया है, इसको लेफ्ट में शिफ्ट करिए तो क्या बचेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू ए रेस टू पावर एक्स। तो आप बेटा गौर से देखिए हमारा एफ एक्स कितना आसानी से आ गया, एफ एक्स हमको मिल गया। अब हमको आगे क्या करना है, एफ वन निकालना है, एफ टू निकालना है, एफ थ्री निकालना है, एफ एन निकालना, फिर सबको जोड़ देंगे। तो देखिए एफ वन कैसे निकलेगा, इस रिलेशन में
x की जगह 1 डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, f1 कितना मिलेगा, a रेस टू पावर 1। x की जगह 2 डालेंगे, सब कुछ इसी रिलेशन में पुट करेंगे तो हमको मिलेगा f2 की वैल्यू क्या आएगी, 8 स्क्वायर। फिर x की वैल्यू 3 डालेंगे, ये क्या आएगा f3, ये क्या हो जाएगा a³। इस तरीके से हम x की वैल्यू n रिप्लेस करेंगे बच्चों तो हमको क्या मिलेगा, fn = a^n। अब हमको इनका सम बताना है, यहां गौर से देखिए हमसे पूछा क्या जा रहा है, हमको इसका सम बताना है, f1 से लेके fn तक का जोड़ बताना है। अब इस जोड़ को हम s मान लें और यहां देखिए f1 से लेके f1 तक को जब हम जोड़ेंगे तो हम क्या हो जाए पाएंगे s। अब देखिए यहां पे a+a² + a³ + up to a^n। अब बेटा ये जीपी बन गया, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अभी जीपी भी आपको पढ़ाएंगे हम, चिंता ना करें, लेकिन ये बहुत आसान सी चीज है, इसको छोटे क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। तो एन टर्म के जीपी का जो जोड़ का फॉर्मूला होता है वो मैं एक बार रिकॉल कर दूं। फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो -1/(-1) तो बेटा कॉमन रेशियो क्या होता है, आने वाले टर्म को पिछले टर्म से डिवाइड करो तो जो आएगा वही आपका कॉमन रेशियो होगा। इस चीज का यूज करके देखिए हम क्या आंसर पाएंगे, पहला टर्म है a और कॉमन रेशियो भी a है तो हमारा क्या आ जाएगा a^(n-1)/(a-1)। अब इसको हम मल्टीप्लाई करें, सिंप्लीफाई करें तो हमको क्या मिलेगा a^(n+1)-a/(a-1)। ये मिला हमको। अब देखिए बेटा कौन सा ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन सही है। तो काफी आसान सवाल है, ऐसे सवालों में फंक्शन को खोजा जाता है, कैसे निकालते हैं फंक्शन को, कैसे आसानी से निकालते हैं, इसमें हम एक अलग से वीडियो करेंगे डिटेल में, कम से कम 20-25 सवाल फंक्शन के लेंगे कि ऐसे फंक्शन का रिलेशन दिया रहेगा और एफएक्स बताना हो। अब इसको कॉपी कर लीजिए फिर हम ले चलते हैं आपको अगले सवाल की तरफ। अब बेटा अगला सवाल आपके सामने है, गौर से देखिए, ये एक रिलेशन दिया गया है और हमसे कहा गया है कि एफएक्स बताइए, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल है लेकिन इतना कठिन नहीं है, आप जरा गौर से देखिए। अब यहां पे हमको बताना फंक्शन एफएक्स, तो एफ के अंदर एक्स है, यहां पे इतना बड़ा दिया गया है तो इस पूरे चीज को हम क्या मान लेंगे, एक सिंगल नंबर मान लेंगे टी। तो हमारा रिलेशन क्या हो जाएगा, ft = x², ये हो जाएगा। अब बेटा हम यहां पे क्या करेंगे कि एक्स की वैल्यू टी के टर्म में रख दे तो हमारा ft आ जाएगा। तो अब हम कैसे निकालेंगे x की वैल्यू t के टर्म में, इस बात को जरा ध्यान से देखिए। तो इसको हमने t माना है, उसको मैं कॉपी करता हूं, इस चीज को मैंने t माना है। अब यहां log का एक फॉर्मूला लगाएंगे, अब जरा log का फॉर्मूला क्या लगाएंगे एक बार मैं रिकॉल कर देता हूं, पता नहीं आपको याद है कि नहीं। फॉर्मूला ये लगेगा, इफ log बेस ए एक्स इज इक्वल टू एल, दिस इंप्लाइज डेट एक्स इज इक्वल टू a^(l)। log की एक बेसिक प्रॉपर्टी, वही प्रॉपर्टी हम इधर लगाएंगे और वो प्रॉपर्टी लगा के हम आगे बढ़ते हैं। देखिए √(1+x) + √(x) = e^(t), ये आपका आ गया बेटू रिलेशन नंबर 1। अब हम एक काम करेंगे, इसके कंजुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे। छोटे क्लासेस में हमने सुन रखा है कि रेशनलाइजेशन एक चीज होती है, तो इसको हम रेशनलाइज करेंगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करके सेम नंबर से। 1+x - √(x)√(1+x) - √(x), ये आपको मिलेगा e^(t)। हमने बेटा सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया। अब यहां पे देखिए a - b (a+b), तो हमने एक फॉर्मूला पढ़े हैं a² - b², तो हमको क्या मिलेगा 1+x - x) / √(1+x) - √(x), ये क्या हो जाएगा e^(t)। ये और ये कैंसिल हो गया। अब हम रेसिप्रोकल करेंगे और जब रेसिप्रोकल करेंगे तो हमको एक नया रिलेशन मिलेगा। देखिए तो √(1+x)
माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी। हमें एक नया रिलेशन मिलेगा ये। अब हमारे पास दो रिलेशन होंगे, इसको नाम दे देते हैं रिलेशन नंबर टू और इसके पहले वाला है रिलेशन नंबर वन। अब इन दोनों रिलेशन को सॉल्व करके हम एक्स की वैल्यू बताएंगे टी के टर्म में, तब फिर हम एफ टी बता सकेंगे। देखिए यहां स्पेस थोड़ा कम पड़ रहा है, इसलिए हम ब्लैक बोर्ड पर लेके चलते हैं आपको, ध्यान से देखिए। अब हम ब्लैक बोर्ड पर आ चुके हैं और उन दोनों रिलेशन को लेके रूट ऑफ वन प्लस एक्स प्लस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी और रूट ऑफ वन प्लस एक्स माइनस रूट ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर माइनस टी। अब बेटा हमको निकालना क्या है, एक्स की वैल्यू निकालनी है टी के टर्म में, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये मिलेगा टू रूट एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी। रूट एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, रूट एक्स की वैल्यू मिलेगी ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय टू, स्क्वायरिंग बोथ साइड विल गेट ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी बाय टू रेस टू पावर टू। ये हमें एक्स की वैल्यू मिल गई बेटा टी के टर्म में। और आप गौर से देखें हमारा क्या था, एफ टी बराबर कितना था, एफ टी बराबर था एक्स स्क्वायर। अब हम देखिए एक्स की वैल्यू टी के टर्म में यहां पे डालेंगे, इसको देखिए इसकी वैल्यू यहां पे डाल दीजिए, एफ टी क्या हो जाएगा, एफ टी हो जाएगा ई रेस टू पावर टी माइनस ई रेस टू पावर माइनस टी डिवाइडेड बाई टू रेस टू पावर फोर हो जाएगा। अब यहां पे हम टी की जगह एक्स डाल दें बच्चों तो हमको मिल जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू पावर एक्स माइनस ई रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाई टू रेस टू पावर फोर। तो ये आंसर इसका आएगा एफ एक्स। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन सही है, ध्यान से देखिए। तो हमें जो मिल रहा है सही ऑप्शन, हमें ये मिल रहा है तीसरा ऑप्शन हमारा सही। तो ये काफी अच्छा सवाल था लेकिन बहुत कठिन सवाल नहीं था, इसको आप सोच सकते थे। तो अब हम आपको आगे लेके चलते हैं अगले सवाल की तरफ, गौर से देखिए। अगला सवाल हमारा ये आ गया, ये भी काफी अच्छा सवाल है। पी एक्स एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री थ्री है, ये बताया गया है। और इस तरीके से पी टू वन है, पी डैश टू कुछ डेटा दिया गया है, पी थ्री की वैल्यू पूछ रहा है। अब तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है, अगर हम मान लें पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस टी, तो यह तीन डिग्री का पॉलिनोमियल है। अब अगर इससे हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो सवाल काफी लेंदी हो जाएगा। अब हम आपको स्मार्ट तरीका सिखा रहे हैं, जो एक काफी समझदार आदमी सॉल्व करता है उस तरीके से दिखा रहे हैं ताकि हमारा आंसर बहुत जल्दी आ जाए। अब देखिए यहां पे इंपॉर्टेंट बात नोटिस करिए, जितने भी डेटा दिए हैं सभी डेटा टू पे दिए गए, टू पे। तो अब हम पी एक्स ऐसा मानेंगे तो सवाल काफी लेंदी हो जाएगा, तो हम ऐसा ना मान के, ऐसा मानना गलत नहीं है लेकिन सवाल को बिना मतलब लंबा कर दे। तो हम पी एक्स को ऐसा मानेंगे, अज्यूम करेंगे पी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स माइनस टू का होल क्यूब प्लस बी एक्स माइनस टू होल स्क्वायर प्लस सी एक्स माइनस टू प्लस डी, ये मानेंगे। अब आपके मन में सवाल आएगा, सर ये ऐसा क्या अजीब सा चीज मान रहे हैं, अजीब सा चीज नहीं है बेटा। देखिए तीन डिग्री का पॉलिनोमियल का मतलब क्या होता है, एक्स का मैक्सिमम पावर थ्री आए। यहां देखिए जब एक्सपेंड किया जाएगा तो एक्स का मैक्सिमम पावर थ्री आएगा। सर ये बताइए एक्स माइनस टू क्यों लिया है आपने बार बार एक्स की जगह, बेटा इसलिए लिया है कि सारी वैल्यू किस पे दी गई है, टू पे दी गई, तो हमारा कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूं कि कैलकुलेशन आसान कैसे होता है। अब देखिए आप, अब यहां पर पहला डेटा दिया है कि पी टू वन है, तो देखिए यहां पे हम P2 निकालते हैं, X की वैल्यू 2 डालेंगे तो ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो और D बचा। और P2 की वैल्यू कितनी है, यहां देखिए दिया गया है 1, इससे ये पता चल गया कि D की वैल्यू 1 है, एक ही लाइन में आ गया। हमारे पास कोई इक्वेशन नहीं बना कि ए बी सी डी में चार इक्वेशन बनाओ फिर उसको सॉल्व करो, वो बिना मतलब काफी लंबा हो जाएगा। तो डी की वैल्यू 1 आ गई। अब हम आगे देखिए अगला कदम बढ़ा रहे हैं,
अब हमको दिया है p डैश टू वन, तब इसको एक बार डिफरेंशिएट करेंगे बच्चों, ये क्या आएगा, p डैश x इज इक्वल टू 3ax माइनस टू होल स्क्वायर प्लस 2bx माइनस टू प्लस सी, ये हमारा आएगा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है, हम उम्मीद करते हैं कि थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आता है। तो ये आ गया बेटा, अब देखिए p डैश टू कैसे निकालेंगे, हम x की जगह क्या डालेंगे, 2, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये आपका आ गया c। अब देखिए p डैश टू कितना है, 1 है, यहां से डायरेक्टली c की वैल्यू आ गई। अब अगला डेटा क्या दिया है, p डबल डैश टू 2 है, तो अगला डेटा बेटा देखिए हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इस रिलेशन को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे, तो p डबल डैश x इज इक्वल टू 6ax माइनस टू प्लस 2b। अब हमको निकालना है p डबल डैश 2, तो x की जगह 2 डालेंगे तो ये 0 प्लस ये 2b आ गया, और p डबल डैश 2 की वैल्यू कितनी दी गई है, 2 दी गई। यहां से बेटा बताइए b कितना आ जाएगा, b आ जाएगा 1, तो डी बी वन सी बी वन बी बी वन। अब हमको लास्ट डेटा दिया गया है कि तीन बार डिफरेंशिएट करें p को 2 पे तो 6 आएगा। अब इस रिलेशन को एक बार हम दोबारा डिफरेंशिएट करते हैं, p ट्रिपल डैश x कितना आएगा, ये 6a, और p ट्रिपल डैश 2 निकालना है, x की जगह 2 डालिए, p ट्रिपल डैश 2 ये कितना हो जाएगा 6a, और इसकी वैल्यू कितना दिया गया है 6। यहां से देखिए a की वैल्यू कितनी आएगी, a की वैल्यू भी 1 आ गई। तो जितने भी कोफिशियंट हैं a b c d सारे कितने आ गए, 1 आ गए। अब देखिए बेटा यहां जगह कम पड़ गया है, अब हम px लिखेंगे, ये जो हमने अज्यूम किया था लिखेंगे, मैं लेके चलता हूं आपको ब्लैक बोर्ड पे। तो बेटा ध्यान से देखिए, हमारा px क्या अज्यूम किए थे, ax माइनस टू रेस टू पावर 3 प्लस bx माइनस टू रेस टू पावर 2 प्लस सी एक्स माइनस टू प्लस डी, ये अज्यूम किए थे। अब हमको निकालना है वैल्यू पी एक्स की, ए बी सी डी की वैल्यू हम निकाल चुके हैं, वो यहां डालेंगे, तो पी टू पी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, एक्स माइनस टू का होल क्यूब, एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर, एक्स माइनस टू प्लस 1। हमने कुछ नहीं किया है, ए बी सी डी की वैल्यू डाल दिया है। अब हमसे इस सवाल में पूछा गया है कि आप बताइए p3, तो हम p3 निकालने के लिए x की वैल्यू क्या डालेंगे, 3, तो ये क्या आएगा, 3 माइनस टू क्यूब प्लस 3 माइनस टू स्क्वायर प्लस 3 माइनस टू प्लस 1। अब बेटा ये आएगा 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 4। तो अब हम ऑप्शन में ले आके दिखाते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही है, गौर से देखिए, यहां देखिए p3 की वैल्यू पूछी गई है, ये तो कितना वैल्यू आया है, 4, तो ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब आपको हम अगले सवाल की तरफ लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखना है आपको, ये देखिए, ये भी काफी अच्छा सवाल है लेकिन कठिन नहीं है, ध्यान से देखिए। एक फंक्शन दिया गया है इसे और बोला गया है कि f(x) = (x)2 Then find the value of this। अब देखें, हम छोटे क्लासेस में पढ़े हैं कि जो एफ एक्स है उसको एक्स स्क्वायर से डिवाइड किया गया, यहां पता चले जी एक्स आया, कुछ ना कुछ तो आएगा ही, और डिविजिबल का मतलब होता है रिमाइंडर जीरो आ जाना। फंक्शन तो हमें मालूम नहीं है, ये बड़ा सा लिखा है, मैं उसको नहीं लिखता हूं, हम सीधे सीधे एक्स स्क्वायर से एफ एक्स को डिवाइड कर रहे हैं, और यहां पे जी एक्स मान ले रहे हैं, हम अननोन फंक्शन मानते हुए सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर है इसलिए रिमाइंडर कितना होगा, रिमाइंडर जीरो होगा। अब आगे देखिए, तो हम एफ एक्स की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, एफ एक्स कैन बी रिटन एज एक्स स्क्वायर इंटू जी एक्स प्लस 0, ये लिखा जा सकता है। अब इस रिलेशन को हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, जरा गौर से देखिए, एफ डैश एक्स क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, ये आया। अब यहां पे देखिए बेटा, चूंकि जी अननोन फंक्शन है, हमको नहीं मालूम है, तो हम एक्स की क्या वैल्यू चूज करें कि जी वाला टर्म गायब हो जाए, तो जाहिर सी बात है जीरो चूज करें, एफ डैश जीरो कितना हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा।
और फंक्शन हमको मालूम है, अब यहां से क्या करेंगे, हम फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, एफ डैश एक्स, ये क्या आएगा, थोड़ा बहुत डिफरेंशिएशन आपको आना चाहिए, अगर इनिशियल स्टेज पे नहीं जानते तो घबराइए मत, आगे सीख जाएंगे आप। ये आपका आएगा माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए होल स्क्वायर माइनस बी अपॉन एक्स प्लस बी होल स्क्वायर और प्लस सी अपॉन एक्स प्लस सी होल स्क्वायर और प्लस डी अपॉन एक्स प्लस डी होल स्क्वायर। अब जो है हमको एवरेज जीरो की वैल्यू मालूम है, एक्स की जगह जीरो डालिए, यहां पे एक्स की जगह जीरो डालेंगे तो माइनस ए बाई ए स्क्वायर माइनस बी बाई बी स्क्वायर प्लस सी बाई सी स्क्वायर और प्लस डी बाई डी स्क्वायर। अब देखिए बेटा एफ डैश जीरो की वैल्यू जीरो दी गई है, यहां पे लिखा हुआ, देखिए एफ डैश जीरो की वैल्यू हम यहां डालेंगे तो हमको क्या मिलेगा, हम यहां साइड में लिखते हैं, हमको मिलेगा जीरो इज इक्वल टू, यहां सिंप्लीफाई होगा तो माइनस वन अपॉन ए माइनस वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन सी प्लस वन अपॉन डी मिलेगा। अब देखिए हमसे किसकी वैल्यू पूछी गई है, सारी चीजों को लेफ्ट में शिफ्ट कर दें तो क्या मिलेगा, वन अपॉन ए प्लस वन अपॉन बी माइनस वन अपॉन सी माइनस वन अपॉन डी, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी भाइयों, जीरो। तो यही पूछा गया, इसका पहला ऑप्शन सही है। तो काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए आप लोग और समझने का प्रयास करिए, वीडियो को एक बार दो बार तीन बार देखिए ताकि आपको पूरी तरीके से क्लियर हो जाए, पहुंच भी कर लिया करिए जरूरत पड़े तो, ताकि आप उसको डिटेल में रख के समझें कि यह स्टेप क्यों लिया गया है, इसमें क्या खास बात है। अब जरा अगला सवाल देखिए, अगला सवाल यह दिया है x की वैल्यू इस इंटरवल में है और fx ये है, तो fx को सिंप्लीफाई करके रेशनल फंक्शन के फॉर्म में लिखना है। तो देखिए हम क्या करने वाले हैं, काफी आसान सवाल है, कोई खास बात नहीं है। देखिए यहां पे n की वैल्यू कहां से शुरू होगी, जीरो पे, फिर क्या वन, फिर क्या टू, फिर क्या थ्री, फिर क्या फोर, कब तक, कहां तक डालेंगे, इन्फिनिटी तक। अब इस रिलेशन में बेटा हम n की वैल्यू डालेंगे और सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना, तो उसको जोड़ लेंगे, n की वैल्यू पहले जीरो डालिए तो क्या क्या आएगा आपका, ये आपका आएगा वन, n की वैल्यू डालिए वन तो ये माइनस एक्स, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर फोर माइनस एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस एक्स रेस टू पावर सिक्स। हम जैसे जैसे n की वैल्यू डालते जाएंगे ये टर्म मिलते रहेंगे हम। अब हम करने क्या वाले हैं, इवन टर्म और ऑड टर्म कलेक्ट करेंगे। देखिए 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स रेस टू पावर फोर माइनस एक्स रेस टू पावर सिक्स अप टू इन्फिनिटी, और उसके बाद ऑड वाले टर्म में माइनस कॉमन ले लीजिए तो x माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स रेस टू पावर फाइव माइनस अप टू इन्फिनिटी। तो बेटा ये दो सीरीज बन गई जो जीपी में है, और जीपी का जोड़ हमको पता है इनफाइनाइट जीपी, अगर कोई भी सीरीज इनफाइनाइट जीपी में है तो उसका फॉर्मूला होता है, ये आप जानते होंगे, अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो पेशेंस रखें, धीरे धीरे जान जाएंगे। ये होता है आर कॉमन रेशियो है, और इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला ये हमेशा नहीं लगा सकते, जब कॉमन रेशियो इस इंटरवल में होगा तभी लगेगा, नहीं तो नहीं लगा सकते। तो देखो यहां पर कॉमन रेशियो क्या है, यहां पर क्या है पता है हमको, तो देखिए इसको लिख सकते हैं वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, चूंकि कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो है माइनस एक्स स्क्वायर माइनस, यहां पे फर्स्ट टर्म कॉमन रेशियो कितना है माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये आपका हो गया ये चीज। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमको मिलेगा वन माइनस एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप गौर से देखिए कौन सा ऑप्शन सही है, तो पहला ऑप्शन आप सही पाएंगे। अब हम आपको अगली सवाल की तरफ लेके चल रहे हैं, ध्यान से देखिए यहां पर बताया गया है कि px एक पॉलिनोमियल है, लीडिंग कोफिशियंट वन है। लीडिंग कोफिशियंट क्या होता है, जैसे कोई पॉलिनोमियल होता है x का जो सबसे बड़ा पावर होता है, x का जो मैक्सिमम पावर होता है उसका कोफिशियंट कहलाता है लीडिंग कोफिशियंट, और डिग्री क्या है फोर। तो ये काफी अच्छा सवाल है, ध्यान से देखिए यहां पे देखिए p1 3 है, p2 5 है, p3 7 है, p4 9 है, कह रहा है p5 की वैल्यू बताइए। तो यहां पे एक पैटर्न दिखाई पड़ रहा है, वन पे तीन वैल्यू है, दो पे पांच वैल्यू है, फिर सात वैल्यू है, फिर नौ वैल्यू, देखिए जो भी वैल्यू आ रही है वो दो दो बढ़ रहा है, तो हमको एक गलत फहमी हो सकता है कि P5 की वैल्यू 11 होगी, वही पहला ऑप्शन दिया है।
जबकि ये करेक्ट आंसर नहीं है, ध्यान दीजिएगा इसको। P1 3 है, P2 5 है, 3, 5, 7, 9, दो दो बढ़ रहा है तो अगला लगेगा कि 11 वैल्यू सही होगी, जबकि 11 सही आंसर नहीं है। तो इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे इसको आप ध्यानपूर्वक देखिए। 4 डिग्री का पॉलिनोमियल है और ये वैल्यू जो आ रही है 3 आ रही है, 5 आ रही है, 7 आ रही है, 9 आ रही है। खास बात क्या है, ये ऑड नंबर है, ऑड नंबर, जो नंबर 2 से ना डिवाइड हो वो ऑड कहलाता है। तो इसका जनरल फॉर्म लिखें तो हमको मिलेगा 2x + 1। इस चीज में जो कि इसका इन सब का जनरल फॉर्म है, एक्स की वैल्यू 1 डाल दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 2 डाल दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 3 डाल दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा, 4 डाल दें तो ये वाला टर्म आ जाएगा। तो यहां पे एक हम नया फंक्शन डिफाइन करते हैं QX जानबूझ के, और वो क्या होगा, PX - 2X + 1। अभी ऐसा हम क्यों कर रहे हैं आपको पता चल जाएगा। तो QX मैंने एक नया पॉलिनोमियल माना जो ऐसे डिफाइन किया गया। अब इसके पीछे कारण क्या है उसको गौर से देखिए, ऐसा मैंने क्यों किया है। अब यहां से Q1 निकालने का कोशिश करिए तो आपको क्या मिलेगा, P1 - 3। अब देखिए P1 की वैल्यू कितनी है, 3, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 डेट इज 0। Q2 निकालने का कोशिश करिए, इस रिलेशन में x की जगह 1 डाले थे तो ये मिला था, और x की जगह 2 डालिए इस रिलेशन में तो मिलेगा ये, देखिए P2 - 5। अब देखिए P2 कितना है, 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 - 5, ये आपका 0 हो जाएगा। x की वैल्यू 3 डाल दीजिए तो Q3 मिल जाएगा, यह आपका हो जाएगा P3 - 7, यह आपका P3 की वैल्यू 7 दी गई है, 7 - 7 ये 0 हो जाएगा। X की वैल्यू 4 डाल दीजिए तो आपको Q4 मिल जाएगा, और ये P4 पे वैल्यू कितनी दी गई है, 9, और ये क्या हो जाएगा, 9 - 9, ये कितना हो जाएगा, 0। इससे ये पता चला Q1 0 है, Q2 0 है, Q3 0 है, Q4 0 है। अब चूंकि यहां जगह कम पड़ रहा है तो मैं इसको अगले पेज में लेके चलता हूं। हमको क्या मिल गया है, हमको मिला है कि Q1 0 है, Q2 0 है, Q3 0 है, Q4 0 है। इसका मतलब है x = 1 इसका रूट है, x = 2 इसका रूट है, x = 3 इसका रूट है, x = 4 इसका रूट है। यानी QX के 4 रूट हैं, जो QX एक इक्वेशन है पॉलिनोमियल, ये भी उतने ही डिग्री का होगा जितने डिग्री का PX था। तो ये जो पॉलिनोमियल है इसके 4 रूट्स हैं। तो हम QX को क्या लिख सकते हैं, QX को लिख सकते हैं x - 1, x - 2, x - 3, x - 4 (GX)। ऐसा लिख सकते हैं, कुछ ना कुछ और आएगा। इसका एक रूट E1 है, 2 है, दूसरा रूट 3 है और अगला रूट 4 है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये ध्यान देने वाली बात है, जो हमने रिलेशन लिखा था, अज्यूम किया था QX = PX - 2X + 1, यह मैंने रिलेशन लिखा था। अब जितनी डिग्री PX की होगी उतनी ही डिग्री QX की होगी। दिया गया है सवाल में PX की डिग्री 4 है तो QX की डिग्री भी 4 होगी। तो इस चीज को कांस्टेंट लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। अब अगर हम कांस्टेंट नहीं लेंगे तो ये QX की डिग्री को ज्यादा कर देगा, क्योंकि 4 डिग्री तो इन्हीं से आ जाएगा आपका। अगर ये कांस्टेंट होगा तभी इसकी 4 डिग्री रहेगी, और इस कांस्टेंट की वैल्यू लेनी पड़ेगी 1। वजह क्या है, ये दिया है x का जो हाईएस्ट पावर है उसका कोफिशियंट 1 है, ये दिया है लीडिंग कोफिशियंट 1 है। तो हमारा QX क्या आ जाएगा, QX आ जाएगा x - 1, x - 2, x - 3, x - 4। और QX की वैल्यू हम ये पुट करेंगे, QX की वैल्यू पुट करेंगे ये, हम इसमें देखिए ये यहां पे डालेंगे तो क्या आएगा, PX - 2X + 1 = x - 1, x - 2, x - 3, x - 4। अब हमसे पूछा है P5 बताइए, तो देखिए बेटा यहां से हमारा PX आ गया बहुत आसानी से,
पी एक्स क्या आया, एक्स माइनस वन, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस थ्री, एक्स माइनस फोर प्लस टू एक्स प्लस वन, ये हमारा आ गया पी एक्स। अब हमसे पूछा है पी फाइव बताइए, तो पी फाइव हम यहां निकाल सकते हैं, ये फोर आ जाएगा, ये थ्री आ जाएगा, ये टू आ जाएगा, ये वन आ जाएगा, और फाइव रखना है तो फाइव टू जा टेन प्लस वन। अब यहां से देखिए फोर थ्री जा ट्वेल्व, टू जा ट्वेंटी फोर, तो ट्वेंटी फोर प्लस टेन प्लस वन ये कितना आएगा थर्टी फाइव। तो पी फाइव की वैल्यू थर्टी फाइव होगी, ना कि जो हमको गलत महसूस हो रहा था कि ग्यारह होगी, ग्यारह नहीं होगी, इलेवन नहीं होगी, थर्टी फाइव होगी। तो आइए देखते हैं ऑप्शन को। तो ये आपको पूछा गया है कि पी फाइव बताइए, तो इसका आंसर थर्टी फाइव होगा। यहां पे एक एक्सीडेंट कर सकते हैं आप, गलती कर सकते हैं, पी वन की वैल्यू थ्री है, पी टू की वैल्यू फाइव है, पी थ्री की वैल्यू सेवन है, पी फोर की वैल्यू नाइन है, तो जल्दीबाजी में कि दो दो बढ़ रहा है तो पी फाइव की वैल्यू इलेवन हो जाएगी, जो पहले ही ऑप्शन दिया है, लेकिन ये सही आंसर नहीं है। सही आंसर क्या है, थर्टी फाइव इसका सही आंसर है। अब हम आगे चलते हैं, ध्यान से देखिए। तो आज के लेक्चर में जितना चीज हम बताए हैं उसकी समरी हम आपको बता देते हैं। देखिए इस लेक्चर में हमने क्या कवर किया, पहला पॉइंट फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। फंक्शन क्या होता है, उसका बेसिक कंसेप्ट क्या है, जो कंफ्यूजन होता है वो कंफ्यूजन आपको ना रहे, तो वही चीज बताया गया है, फंडामेंटल कंसेप्ट ऑफ फंक्शन। दूसरा चीज ये भी बताया गया है कि फंक्शन की ग्राफिकल डेफिनेशन क्या होती है, जो वर्टिकल लाइन टेस्ट में बताया गया था कि y एक्सिस के पैरेलल सारी लाइन ग्राफ को केवल एक जगह कट करेंगी तो फंक्शन का ग्राफ होगा, नहीं तो फंक्शन का नहीं होगा। आगे देखिए और कई सवाल लगवाए गए हैं आपको सॉल्यूशन के साथ, तो इन सारे सवालों को आप फिर से करेंगे, पॉज करके खुद ट्राई करेंगे, फिर देखिए आपको आता है कि नहीं। मेरा सलाह यह रहेगा कि सॉल्यूशन देखने से पहले आप उसको पॉज करके खुद पहले सॉल्यूशन निकालें, अगर सॉल्यूशन नहीं लगता है तो वीडियो से आप हेल्प लें। अब देखिए अगला लेक्चर हम क्या करने वाले हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। हम अगले लेक्चर में पढ़ाएंगे हाउ टू प्लॉट स्ट्रेट लाइंस। स्ट्रेट लाइन एक बेसिक ग्राफ है जो आईआईटीज जेई मेन जेई एडवांस के एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको हमको अच्छे से आना चाहिए, और ये लेक्चर जरूर अटेंड करिएगा, आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला चीज बताएंगे कि फंक्शनल पैराबोला कैसे प्लॉट करेंगे। पैराबोला तो कई टाइप के होते हैं, लेकिन उसमें से जो फंक्शन होता है पैराबोला उसको कैसे प्लॉट करेंगे, उसका टेक्निक आपको सिखाएंगे, और फिर उसके प्रॉब्लम और सॉल्यूशन करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियोज में।